मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को विधानसभा चुनाव के दौरान और उसके बाद कई बार भावुक होते हुए देखा गया है। कई बार लाडली बहनों के सामने तो कई बार दूसरे मौके पर शिवराज सिंह चौहान इमोशनल दिखाई दिए। वहीं एक बार फिर पूर्व सीएम ने अपनी दिल की बात जनता के बीच कह दी है। उन्होंने कहा कि वे भले ही अब मुख्यमंत्री नहीं हैं, लेकिन आज भी उन्हें सभी मामा कहकर बुलाते हैं और यह उनकी असली दौलत है। एक कार्यक्रम के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मुझे पूर्व मुख्यमंत्री कहिए लेकिन अपन रिजेक्टेड नहीं है। कई बार आदमी कब छोड़ते हैं, जब जनता नकार दे, गाली देने लगे, बहुत दिन हो गए हैं यही बैठा हुआ हूँ। अपन छोड़कर भी आए तो ऐसे आए जहाँ जाते हैं सब कहते हैं मामा, और यह असली दौलत है। लेकिन सीएम पद छोड़ दिया है तो ये नहीं है कि मैं राजनीति नहीं करूँगा। किसी पद के लिए नहीं, राजनीति सिर्फ पद के लिए नहीं होती, राजनीति बड़े लक्ष्य के लिए होती है। इससे पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में कहा था कि जब आप सीएम होते हैं तो आपके चरण कमल की तरह होते हैं, लेकिन जब आप मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं तो आपकी फोटो होर्डिंग्स से ऐसे गायब होती है जैसे गधे के सिर से सींग। मैं बीजेपी नहीं जीतेगी, 18 साल हो गए, एंटी इनकंबेंसी है। कांग्रेस घोषणा करती थी क्लीन स्वीप करेंगे, और तो और मेरी पार्टी के नेता भी कहते थे मुश्किल है, नहीं हो सकता, गड़बड़ है। लेकिन तय किया कि किसी भी कीमत पर मेरी पार्टी को जिताऊंगा, कोई ताकत दुनिया की मुझे जीतने से नहीं रोक सकती। एक संकल्प पैदा हुआ और उसके अनुरूप काम किया। मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूं, 2 घंटे सोता था मैं, केवल 2 घंटे। रात के 10 बजे तक पहले हेलीकॉप्टर की सवाएं, और हेलीकॉप्टर का मैंने कभी पंखा बंद नहीं होने दिया। दौड़ के कूदता था, सभा करता था, दौड़ के बैठता था, और रात में बाय रोड फिर मीटिंग फोन। 2:30 बजे भोपाल आता था, 2 घंटे सोता था, फिर काम तो शुरू हो जाता था। सारे लोग कह रहे थे, बाद में कह लगे कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है। मैंने कहा लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए, मेरा स्टेटमेंट पढ़ा होगा आपने, और जब रिजल्ट आए तो आपने देखा होगा कांग्रेस ने नहीं बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। अब तक के सबसे ज्यादा वोट मिले बीजेपी को, सबसे ज्यादा वोट और सबसे ज्यादा शानदार सीटें। सोचा और हो गया, मुझे कहा फार्मर चीफ मिनिस्टर, लेकिन अपन रिजेक्टेड नहीं है। कई बार आदमी कब छोड़ते हैं, जब जनता नकार दे, लोग गाली देने लगे, बहुत दिन हो गया यही बैठा हुआ है। अपन छोड़ के भी आए तो ऐसे आए कि जहां जाते हैं लोग कहते हैं मामा 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 मामा। जनता का स्नेह और प्यार ये अपनी असली दौलत है। लेकिन छोड़ दिया इसका मतलब ये नहीं कि राजनीति नहीं करूंगा, अभी भी करूंगा, किसी पद के लिए नहीं। राजनीति केवल पदों के लिए नहीं होती, राजनीति बड़े लक्ष्य के लिए, और उसी का आह्वान आपसे करने आया हूं। मित्रों आना पड़ेगा तुम में से कई को राजनीति में, इसलिए कि कई काम बाकी है जो पूरे करने हैं। अभी यहां बता रहे थे हमारे मित्र राहुल जी, 22 जनवरी को वो सौभाग्य के सूर्य का उदय होगा जब अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर दिव्य और भव्य मंदिर में राम लला विराजेंगे।